नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वांशु रक्षिता। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे जीएम के साथ मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। अलग अलग जिलों के जीएम इस संवाद में मौजूद रहेंगे और ये वर्चुअली संवाद होगा, सुबह 11 बजे से शुरू होगा। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिलों के कलेक्टर से सरकारी योजनाओं और कार्यक्रम का सीधा फीडबैक भी लेंगे, स्थिति का पता चलेगा। साथ ही इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये भी बात निकलकर सामने आएगी कि जिलों में क्या जमीनी समस्याएं सामने आ रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सभी जिलों के अलग अलग जिलों के कलेक्टर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे। तो देश के अंतिम नागरिकों तक विकास का लाभ पहुंचे, इसी के चलते प्रयास किए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई अलग अलग जिलों के जिलाधिकारी यानी कलेक्टर से आज सीधा संवाद करेंगे वर्चुअल तौर पर 11 बजे से। पीएम मोदी आज देश के कई जिलों के कलेक्टरों के साथ सुबह 11 बजे वर्चुअल संवाद करेंगे और जिले में हो रहे विकास के कामों का जायजा लेंगे। जिलों में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की स्थिति के बारे में भी सीधा फीडबैक लेंगे। पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार देश भर में विकास और असमानता को दूर करने के लिए लगातार कदम उठा रही है, जिससे देश में नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके और सभी के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके। पीएमओ की तरफ से बयान जारी कर बताया गया है कि ये बातचीत जहां सरकारी योजनाओं की स्थिति का पता चलाएगी, वहीं इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बात निकलकर सामने आएगी कि जिलों में क्या जमीनी समस्याएं सामने आ रही हैं। इस बातचीत का मकसद विभिन्न योजनाओं को जिलों में जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाने का है। वहीं पीएम मोदी ने शुक्रवार को त्रिपुरा और मेघालय की स्थापना के 50 साल पूरे होने के अवसर पर राज्य की जनता को बधाई देते हुए कहा है कि पूर्वोत्तर का ये राज्य आज न सिर्फ नई बुलंदियों की तरफ बढ़ रहा है बल्कि वो ट्रेड कॉरिडोर का केंद्र भी बन रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के कैराना में आज गृह मंत्री अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और उसके साथ ही प्रत्याशियों को जीत का मंत्र भी देंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी के दौरे पर रहेंगे। शाह कैराना में घर घर जाकर पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। शाह का कैराना जाने का बड़ा राजनीतिक महत्व भी है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कैराना से तत्कालीन सांसद दिवंगत हुकुम सिंह ने यहाँ से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठाया था। कैराना वही जगह है जहाँ हिंदू पलायन का मुद्दा देश की सुर्खियाँ बना था। अमित शाह पलायन पीड़ित परिवार से मुलाकात भी करेंगे। कैराना अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है। आरोप लगे थे कि मुसलमानों बढ़ते आतंक की वजह से कैराना के हिंदू अपना घर बेचने के लिए मजबूर हो गए थे। बीजेपी नेता हुकुम सिंह ने लिस्ट जारी कर कैराना से हिंदुओं के पलायन को मुद्दा बनाया था। इसके बाद बीजेपी ने इसे पिछले चुनाव में मुद्दा बनाया था और इसके जरिए बीजेपी के पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण हुआ था। कैराना से बीजेपी ने पूर्व सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को इस बार मैदान में उतारा है। हालांकि वो पिछली बार चुनाव हार गई थी लेकिन पार्टी ने एक बार फिर मृगांका सिंह पर भरोसा जताया है। सूत्रों के मुताबिक शाह अपने इस दौरे पर शामली और बागपत में पार्टी कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो अमित शाह कैराना में रहेंगे तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा और बिजनौर का दौरा करेंगे और डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। जेपी नड्डा आज बिजनौर और अमरोहा के दौरे पर रहेंगे। आज दोपहर में नड्डा बिजनौर पहुंचेंगे, जिसके बाद जेबीएस रिजॉर्ट में नगीना और मुजफ्फरनगर के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद 3 बजे के करीब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गजरौला पहुंचेंगे। यहां पर सांसद कंवर सिंह तंवर के निवास पर अमरोहा, मुरादाबाद और मेरठ के पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगे। वहीं यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहारनपुर में चुनावी शंखनाद करेंगे। यहां पर वो घर घर जाकर चुनाव प्रचार करने वाले हैं। पश्चिमी यूपी में पहले चरण में चुनाव है, लिहाजा सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में अपने अपने स्तर पर जोर शोर से जुटे हुए हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार चुनाव प्रचार कर वोटरों को अपने पक्ष में लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त कम है, इलाका बड़ा है, घर घर जाना है, लिहाजा 24 घंटे नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हर घर तक नेताओं की पहुंचने की कोशिश है। कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए चुनाव आयोग ने फिजिकल रैली पर फिलहाल रोक लगा रखी है और घर घर जाकर चुनाव प्रचार को मंजूरी दी है। इस दौरान सिर्फ 5 लोग ही चुनाव प्रचार के लिए एक साथ जा सकते हैं।
वहीं बुलंदशहर में सीएम योगी आज समाज में सम्मानित लोगों से संवाद करेंगे और इसके साथ ही बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगे। आदित्यनाथ दोपहर करीब 1 बजे बुलंदशहर पहुंचेंगे। यहां पर योगी डॉक्टर, अधिवक्ता, शिक्षक, समाजसेवी, व्यापारी समेत प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ संवाद करेंगे और लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। बीजेपी ने इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। बीजेपी के जिलाध्यक्ष अनिल सिसोदिया के मुताबिक कोरोना गाइडलाइंस और आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए मुख्यमंत्री का संवाद कार्यक्रम आयोजित होगा। कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से रैली सभा पर रोक है। हालांकि 300 तक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इंडोर सभा की जा सकती है। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी तरह कमर कस ली है। रोजाना सीएम योगी अलग अलग जिलों में लोगों से संवाद कर रहे हैं। डिजिटल रैलियों के जरिए योगी अपने कामकाज को जनता तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी को पूरा भरोसा है कि इस चुनाव में पार्टी को जीत मिलेगी। टाइम्स नाउ नव भारत को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भी योगी ने कहा है कि पूर्ण बहुमत से यूपी में उनकी सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें 85 प्रत्याशियों का नाम है और इसमें रायबरेली से अदिति सिंह को टिकट दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी पार्टियों ने लगभग अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। बीजेपी भी दोबारा सरकार बनाने के लिए कई दौर के मंथन के बाद उम्मीदवार उतार रही है। इसी बीच शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी करते हुए 85 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसमें 15 महिला उम्मीदवारों को जगह मिली है। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई अदिति सिंह को रायबरेली सदर से टिकट दिया गया है, तो मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव को सिरसागंज से उम्मीदवार बनाया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अब तक 195 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शुक्रवार को अपना थीम सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया है। थीम सॉन्ग में सोच ईमानदार काम दमदार का नारा दिया गया है। सीएम योगी ने कहा है कि 2017 से पहले पार्टी ने जो भी वादे किए थे सबको पूरा किया गया है। प्रदेश के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना के साथ सुरक्षित माहौल है। वहीं बीजेपी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दिया और इसमें 34 उम्मीदवारों का नाम शामिल है। बीजेपी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 34 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। पंजाब चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करते वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि बीजेपी की लिस्ट में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है। 34 में से किसान परिवारों के 12, अनुसूचित जाति के 8 और 13 सिखों को टिकट दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सूची में डॉक्टर, वकील, खिलाड़ी, किसान, युवा, महिलाएं और पूर्व IAS शामिल हैं। वहीं बीजेपी ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब की जनता कुशासन से त्रस्त है। पिछले कुछ समय से पंजाब में नशे की समस्या और भ्रष्टाचार का आतंक है। पंजाब में कांग्रेस के वर्तमान मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। उनकी ही विधानसभा में रेत का अवैध खनन हो रहा है। इससे साबित हो रहा है कि प्रदेश के रेत माफिया से उनके घनिष्ठ संबंध है। पंजाब की प्रदेश सरकार ने देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा का भी ध्यान नहीं रखा। 5 जनवरी को फिरोजपुर में हुई घटना से पता चलता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था उनके लिए अहम नहीं है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। हालांकि हरक सिंह रावत भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। पार्टी चुनाव में जीत हासिल कर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए जी जान से जुटी है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी आज उत्तराखंड के लिए उम्मीदवारों के नामों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। 70 विधानसभा सीटों में से करीब करीब 40 सीटों पर पार्टी ने नाम फाइनल कर लिए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की कई दिनों की मैराथन बैठकों के बाद पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। पहले कांग्रेस दिसंबर के अंत तक पहली लिस्ट जारी करने का दावा कर रही थी, इसके बाद जनवरी के पहले हफ्ते में, लेकिन अभी तक कांग्रेस के शीर्ष नेता सीटों के लेकर अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस में 40 सीटों पर पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह कैंप के बीच सहमति बन गई है, लेकिन 30 सीटों पर दोनों कैंप अपने अपने कैंडिडेट के लिए भिड़े हुए हैं। कुमायूं मंडल में कुछ सीटों को लेकर अब भी पेच फंसा हुआ है। उधर बीजेपी से निकाले गए हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो गए हैं।
तो राजनीतिक रैलियों पर पाबंदी जारी रहेगी या फिर हट जाएगी? चुनाव आयोग स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक आज करेगा और उसके बाद इस बारे में फैसला लिया जाएगा। चुनावी सरगर्मी के बीच कोरोना ने चिंता की लकीरें खींच दी हैं। इस बीच चुनाव आयोग चुनाव वाले सभी 5 राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक करेगा और कोरोना के हालात, टीकाकरण की स्थिति की जानकारी लेगा। इसके बाद चुनाव आयोग ये तय करेगा कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए रैलियों और रोड शो पर लगाया गया प्रतिबंध जारी रहना चाहिए या नहीं। 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में चुनावों की तारीखों की घोषणा करते हुए निर्वाचन आयोग ने 15 जनवरी तक रैलियां, रोड शो और बाइक शो और इसी तरह के प्रचार कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। चुनाव आयोग ने 15 जनवरी को प्रतिबंध को 22 जनवरी तक बढ़ा दिया था। हालांकि आयोग ने राजनीतिक दलों को इंडोर यानी हाल में अधिकतम 300 लोगों के साथ या हाल की क्षमता के अनुरूप 50% लोगों के साथ बैठक करने की छूट दी थी। चुनाव आयोग चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध के मामले में आज क्या फैसला लेता है? सभी राजनीतिक दलों की निगाहें इस पर टिकी हैं। और अब बात करेंगे कोरोना की किलर रफ्तार की, जो लोगों को डरा रही है। हिंदुस्तान की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 3.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना की किलर रफ्तार ने फिर से लोगों को डरा दिया है। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 3.5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 703 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। देश में पॉजिटिविटी रेट अब 17.94% है। इस समय एक्टिव मामलों की संख्या 20,19,000 है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या देश भर में अब तक 4,88,396 हो गई है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 160 करोड़ के पार हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। सरकार ने कहा है कि तीसरी लहर में मौतें दूसरी लहर के मुकाबले काफ़ी कम है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के मुताबिक यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, बंगाल, गुजरात, ओडिशा, दिल्ली और राजस्थान में कोरोना के एक्टिव केस सबसे ज़्यादा हैं। ICMR के DG डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि वैक्सीनेशन भारत के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। वैक्सीनेशन के चलते ही तीसरी लहर में मौतों की संख्या काफ़ी घटी है। तो दिल्ली में अभी कोरोना कर्फ्यू नहीं हटेगा। जो प्रस्ताव LG को पेश किया गया था केजरीवाल सरकार की तरफ से, उसको अभी सहमति नहीं मिल पाई। हालांकि मामले थोड़े बहुत दिल्ली में कम आए हैं, लेकिन जो मौत का आंकड़ा बढ़ा है वो चिंताजनक है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार में कमी आई है। बीते 24 घंटे में 10,756 केस सामने आए हैं, जबकि वायरस से 38 लोगों की मौत हो गई। पिछले 6 दिनों में कोरोना से दिल्ली में 218 लोगों की मौत हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बीते 18 दिन में कोरोना संक्रमित रोगियों की अस्पतालों में संख्या 12 गुना बढ़ी है, जबकि वेंटिलेटर 46 गुना अधिक भरे हैं। इन सब चीजों के बावजूद हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना है कि जितने लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं उस मुकाबले में अस्पताल में कम लोग आ रहे हैं। ज्यादातर लोगों में हल्के लक्षण हैं और घर पर ही इलाज होकर वो ठीक हो जा रहे हैं। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू आज और कल जारी रहेगा। उपराज्यपाल दफ्तर के मुताबिक वीकेंड कर्फ्यू हटाने और बाजार से ऑड इवन व्यवस्था खत्म करने का फैसला कोरोना के हालात और सुधरने पर लिया जाएगा। हालांकि दिल्ली के उपराज्यपाल निजी दफ्तरों को 50% क्षमता के साथ चलाने पर सहमत हैं। केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 यूट्यूब चैनल और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स को पूरी तरह से ब्लॉक करने का आदेश दिया है, और इन चैनल और अकाउंट्स पर भारत विरोधी कंटेंट चलाए जाते थे। केंद्र सरकार ने कार्रवाई करते हुए 35 यूट्यूब चैनल और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। इन सभी चैनल और अकाउंट्स पर भारत विरोधी कंटेंट दिखाए जा रहे थे। इन सभी अकाउंट्स में एक कॉमन फैक्टर तक ये था कि ये सभी पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे थे और देश विरोधी कंटेंट फैलाने का काम कर रहे थे। इन सभी एंटी इंडिया चैनल पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, जिसमें भारतीय सेना, कश्मीर और भारत के फॉरेन पॉलिसी के बारे में गलत जानकारी दी गई थी। मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने बताया है कि ब्लॉक किए गए यूट्यूब चैनल के 1.20 करोड़ सब्सक्राइबर और 130 करोड़ व्यूज है। ऐसे में अब जब इन्हें ब्लॉक करने का प्रोसेस शुरू हो गया है तो आगे और भी चैनल ब्लॉक किए जाएंगे। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने चेतावनी दी थी कि सरकार और देश के खिलाफ साजिश रचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि दुनिया भर के कई बड़े देशों ने इसका संज्ञान लिया है, यूट्यूब भी आगे आया है और उन्हें ब्लॉक करने की कार्रवाई में सपोर्ट किया है।
बिहार में सुशासन बाबू के राज में अपराधियों के हौसले काफी बुलंद हो चुके हैं। हर दिन कोई ना कोई नई आपराधिक वारदात को अंजाम दिया जाता है और विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है। पटना में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर से वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों ने दिन दहाड़े पटना के सबसे बड़े सराफा बाजार बकरागंज में एक जेवर दुकान को हथियार के बल पर लूट लिया। चार अपराधियों ने शुक्रवार की दोपहर एक ज्वेलरी दुकान में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया है। लूटपाट सोने चांदी के थोक कारोबारी की हुई है। लुटेरे तीन बैग में भरकर लूट का सामान ले गए हैं। बताया जा रहा है कि ये लूट करोड़ों की है। हालांकि भागते समय एक अपराधी पब्लिक के हत्थे चढ़ गया, जिसकी लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। पटना के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो के अनुसार अभी लूटे गए सोने चांदी को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता है। पीड़ित दुकानदार अभी सामान मिला रहे हैं। SSP का कहना है कि जल्द ही पटना पुलिस इस मामले में अपराधियों को गिरफ्तार करेगी। हालांकि इस वारदात के बाद व्यापारी गुस्से में हैं, वहीं विपक्ष सरकार को घेर रहा है। बीजेपी चुनावों को कितनी गंभीरता से लेती है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पश्चिमी यूपी की बात की जाती है तो बीजेपी ने एड़ी तोटी की ताकत यहां पर जोड़ती है। गृह मंत्री अमित शाह डोर टू डोर जाकर प्रचार करेंगे। कैराना में घर घर जाकर पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट भी मांगेंगे अमित शाह। इसके अलावा पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा आज बिजनौर और अमरोहा के दौरे पर रहेंगे। आज दोपहर में नड्डा बिजनौर पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगे। आदित्यनाथ दोपहर करीब 1 बजे बुलंदशहर पहुंचेंगे। तो देखिए, प्रचार धुआंधार इसे कहा जा सकता है कि बीजेपी की तरफ से अमित शाह डोर टू डोर जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे और लोगों से बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। तो प्रचार का सुपर शनिवार इसे कहा जा सकता है। बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, बीजेपी का पश्चिमी यूपी का क्या प्लान है ये आप इसे देख के समझ सकते हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेता इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं, वोट की अपील भी कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बिजनौर और अमरोहा पहुंच रहे हैं। तो गृहमंत्री अमित शाह इस वक्त धुआंधार प्रचार करने के मूड में हैं और आज शनिवार के दिन घर घर जाएं। और बात करेंगे कांग्रेस के झूठे प्रचार की, जो उसने आज अमर जवान ज्योति को लेकर देश में फैलाने की कोशिश की। ये बात कल की जा रही है जब कांग्रेस की तरफ से ऐसा प्रचार किया गया। अमर जवान ज्योति का पता बदल गया है, वॉर मेमोरियल में ज्योति को शिफ्ट कर दिया गया है। अमर जवान ज्योति इंडिया गेट से शिफ्ट होकर नेशनल वॉर मेमोरियल चली गई है और पूरे देश ने इस कदम का स्वागत किया। जो हमारे फौजी भाई हैं उन्होंने भी इस कदम का स्वागत किया, लेकिन कांग्रेस यहां भी शहीदों पर सियासत करने से बाज नहीं आई और अमर जवान ज्योति को बुझा देने का आरोप सरकार के सिर पर मढ़ने लगी। और इस तरह 21 जनवरी 2022 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। इंडिया गेट से अलविदा कह शहीदों के बलिदान की प्रतीक अमर जवान ज्योति करीब 400 मीटर की दूरी पर बने नेशनल वॉर मेमोरियल की लौ में मिल गई। अब अमर जवान ज्योति नेशनल वॉर मेमोरियल के प्रांगण को रोशन करेगी। असल मायने में हिंद की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को नमन करेगी। लेकिन इस देश में बिना सियासत के कुछ संभव नहीं, लिहाजा यहाँ भी राजनीति हुई। इस सियासत की सूत्रधार एक बार फिर राहुल गांधी और उनकी सेना बनी। लॉ के विलय को राहुल गांधी ने शहीदों का अपमान बता दिया। राहुल ने ट्वीट कर कहा, बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। शहीदों के नाम पर सियासत के इस मैदान में राहुल के पीछे उनकी फौज भी कूद पड़ी। अमर जवान ज्योति को बुझाया जाना एक राष्ट्रीय आपदा है,
ये एक राष्ट्रीय त्रासदी है। भारत के राष्ट्रपति जो सुप्रीम कमांडर हैं भारत की सेना के, उनको इस बात में दखलंदाजी करनी चाहिए और अमर जवान ज्योति को बिल्कुल बुझाया नहीं दिया जाना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से जब अमर जवान ज्योति के बुझा दिए जाने का झूठ फैलाया गया तो सरकार ने भी सफाई देकर सारे संशयों और झूठे प्रचार की हवा निकाल दी। सूत्रों के मुताबिक सरकार की तरफ से कहा गया कि अमर जवान ज्योति की लौ बुझ नहीं रही है, इसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्वाला में मिला दिया जा रहा है। यह अजीब बात थी कि अमर जवान ज्योति की लौ ने 1971 और अन्य युद्ध में जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी, लेकिन उनका कोई भी नाम वहां मौजूद नहीं। 1971 और उसके पहले और बाद के युद्ध समेत सभी युद्धों में सभी जान गंवाने वाले भारतीय जवानों के नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अंकित किए गए हैं, इसलिए वहां युद्ध में जान गंवाने वाले भारतीय जवानों को देने वाली ज्योति का होना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। सरकार की तरफ से बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने भी कांग्रेस के झूठ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विडंबना है कि जिन लोगों ने 7 दशकों तक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नहीं बनाया, वो हमारे शहीदों को स्थायी और उचित श्रद्धांजलि देने पर हंगामा कर रहे हैं। जहां तक फ्लेम का सवाल है, फ्लेम भी जो वार मेमोरियल में एक जगह करना, इकट्ठा करना, ये भी एक बड़ा संदेश है। कभी होता था कि अगर हम ब्रिटिश वक्त में जो शहीद हुए उनको तो याद करते थे, लेकिन जो आजादी के बाद शहीद हुए उनको भी याद करने का है, तो इकट्ठा एक जगह किया गया, इस पर भी कोई विवाद करने की जरूरत नहीं। पूरे देश ने इन तस्वीरों में साफ देखा कि अमर जवान ज्योति को बुझाया नहीं गया, बल्कि पूरे सम्मान के साथ युद्ध स्मारक की लौ के साथ विलय किया गया। बावजूद इसके कांग्रेस शहीदों के नाम पर झूठ की राजनीति करने से बाज नहीं आ रही और इस मुद्दे पर देश को भटकाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।